आओ दोस्तों, आज तुम सबको जुलू देश की एक कहानी सुनाता हूँ। काफी साल पहले उस देश के छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वो दिखने में बहुत ही अजीब था। उसका पेट था मटके जैसा बड़ा और हाथ पैर थे पतली पतली लकड़ी की तरह। वो अपने मन से बहुत साहसी था, पर उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए उसको हर विषय में बहुत डर लगता था। इसलिए सारे गांव के लोग उसको डरपोक कामा कहकर बुलाते थे। एक दिन वो उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया और तभी वो देखो, हमारा डर का राजा डरपोक कामा आ गया। ए, सुनो तुम लोग, मुझे डरपोक कामा कहकर नहीं बुलाओगे, कह देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों रे, डरपोक नहीं तो क्या साहसी कहूँ, डरपोक ही कहूँगा ना। चुपचाप गोलकीपर बनकर खड़े रहो और झपक कर बॉल आते ही उसको लपक कर पकड़ लो। नहीं, आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा, हर दिन गोलकीपर बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी पतली पतली टंगड़ी लेकर दौड़ कर फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, निकलो, चलो, अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं भाई, इस तरह मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचती है। नहीं भाई, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम हुए तो रोज की तरह हम आज भी एक दो गोल खा ही जाएंगे। ए सुनो, जाओ, दूर हो जाओ, नकारा दोस्तों से दोस्त ना होना बहुत अच्छा होता है, तेरे जैसा डरपोक दोस्त नहीं चाहिए हमें। क्या हुआ कामा, इतना रो क्यों रहा है? मुझे मेरे दोस्तों ने खेलने नहीं दिया, मुझे भगा दिया। बहुत अच्छा किया, तेरे जैसे डरपोक इंसान को कौन खिलाएगा, घर पर भी कोई काम नहीं करता। तेरे पापा दिन भर खेत में काम करते हैं और मैं घर का काम संभालती हूँ। मेरे शरीर में तो उतनी ताकत नहीं है माँ, बताओ मैं क्या काम करूँ, बोलो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस पेट भर के खा और घर में बैठा रहे। ये ले, रोटी सब्जी बनाई है, खा ले। अरे बाप रे, मक्खी। अरे क्या हुआ कामा, कहाँ जा रहा है? ये देखो, ये लड़का मक्खियों से भी डर के आगे दौड़ रहा है, सारी मुसीबत मेरे ही सर पर आनी है। मक्खी। सुनिए सरदार जी, हमारे गांव में ना बहुत सारी समस्याएं हैं। कैसी समस्याएं? यही जैसे कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि पीने के पानी के सारे तालाब अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहे हैं, कुछ जगहों पर सड़क की हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे, फिर तो जल्द ही कुछ हल निकालना होगा। आय हाय हाय, मेरे सफेद कपड़े को खराब कर दिया, नकारा ना मुराद उल्लू कहीं का, देखकर नहीं चल सकता क्या? आय हाय 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 हाय। ओए लड़के, तेरा नाम क्या है रे? कामा। डरपोक कामा सरदार, डरपोक कामा, मेरे भतीजे का दोस्त है ये एक साबुत डरपोक का अंडा है सरदार। आखिर तू इतनी जल्दबाजी में जा कहाँ रहा था? मक्खी मेरा पीछा कर रही थी, इसलिए मक्खी से डर के भाग रहा था मैं। क्या, तू मक्खी से डर कर भाग रहा था? हाँ, मक्खी का साइज बहुत बड़ा था, अगर मुझे काट लेती तो। अरे उल्लू के पट्टे, तू कहाँ का डरपोक है रे? हैं? चला जा यहाँ से, चला जा, इसी वक्त हमारे गांव से निकल जा, तू हमारे गांव के लिए कलंक है, इतना डरपोक लड़का हमारे गांव में रहने लायक नहीं है। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सरदार जी, दया कीजिए, आपका कपड़ा मुझे दीजिए, मैं माँ से कहकर इसे धुलवा दूंगा, लेकिन मुझे गांव से मत निकालिए, मुझे मत निकालिए, मत निकालिए, मत निकालिए। दया? नहीं, कोई दया नहीं होगी, अभी गांव से निकल जा, नहीं तो पीट पीट कर गांव से निकाल देंगे। और कोई मुझे डरपोक कामा कहता है, ये सब खराब लोग हैं,
सड़ू 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 लोग हैं ये सब। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं करता प्यार। देखो कैसी है इस लड़के की करतूत। शाम को खाने की थाली लेकर घर से निकला था और अब तक लौटने का कोई नामो निशान नहीं। इस लड़के की चिंता कर करके मैं पागल हो जाऊंगी। आखिर हुआ क्या, इतनी रात को इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही हो? तुम्हारा बेटा अभी घर नहीं लौटा है, इस बात का पता भी है तुम्हें? हाँ? क्या कहा, क्या बोल रही हो तुम? उसके दोस्तों के घर जाकर ढूंढा कि नहीं? जी हाँ, शाम को हर दोस्त के घर जाकर ढूंढ कर आ चुकी हूँ और वो कहीं नहीं मिला। सब कह रहे थे कि उसे उन लोगों ने खेलने से मना करके भगा दिया। उसके बाद वो घर आया था, मैंने उसे खाना बना कर दिया लेकिन खाने की थाली लेकर पता नहीं कहाँ चला गया, अब तक नहीं लौटा। हाय हाय हाय, क्या होगा मेरा? अच्छा ठीक है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गांव के सरदार जी से इस विषय में जाकर बात करता हूँ, देखता हूँ वो कामा को ढूंढने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं। हाँ ठीक है। हाय मेरा कामा। कौन है इतनी रात को, भला कौन दरवाजा खटखटा रहा है? कौन है? जी मैं हूँ सरदार जी, कृपया दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। कौन हो तुम? मैं हरेन हूँ सरदार जी, आज शाम से मेरा बेटा कहीं खो गया है, आप हमारे सब कुछ है सरदार जी, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, वो कहीं मिल नहीं रहा है। ओह क्या मुसीबत है, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का, वो आखिर दिखता कैसा है? मेरे बेटे का नाम कामा है। क्या बताऊँ कैसा दिखता है, उसका शरीर का रंग काला, हाथ पैर पतले लकड़ी की तरह, पेट मटके जैसा, पता नहीं कैसे बताऊँ मैं आपको, है तो मेरा बेटा पर मुझ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ओ, तो वो डरपोक तुम्हारा बेटा है? हाँ सरदार जी, वो बहुत डरपोक है। तो फिर बात ऐसी है कि मैंने तुम्हारे लड़के को गांव से निकाल दिया। हाँ? ये क्या बोल रहे हो आप सरदार जी, ये क्या किया आपने, तो हमारा सर्वनाश कर दिया, ऐसे कैसे सरदार जी? एकदम ठीक किया, वैसा डरपोक लड़का केवल हमारे गांव का ही नहीं हमारे देश का कलंक है, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया और कहा है कि अगर कभी साहसी बनकर लौट कर आ सकते हो तो लौट कर आना, वरना नहीं आना, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ और शांति से मुझे खाना खाने दो। ऊपर वाले, मेरा तो सर्वनाश हो गया, ये क्या कर दिया आपने? और कितनी देर चलना पड़ेगा, मैं और नहीं चल सकता, बहुत प्यास लगी है, दूर एक तालाब दिख रहा है मुझे, जाता हूँ वहीं जाके पानी पीता हूँ। कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। अरे कामा, तुम तो बिना अनुमति के हमारे राज्य में आ गए हो, अब तुम्हें कैसे छोड़ दे बताओ जरा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, बताओ किसने बताया तुम्हें, बताओ कैसे पता चला? तुम्हारे बारे में सब पता है, नाम पता है, धाम पता है, सब कुछ पता है। तुम्हारा नाम कामा है, तुम जुलू देश के पश्चिम के एक गांव में रहते हो, है ना? सही कहा ना, तुम्हारे पापा हरेन पेशे से किसान है, क्यों सही है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, अरे बाप रे, तुम तो कोई जादूगरनी लगती हो, मुझे छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, छोड़ दो। हमारे राज्य में एक बार जब तुम आ गए
तो इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे बच्चों। अब हम तुम्हें अपने राज्य के जादू महाराज के पास लेके जाएंगे और जो करना है तुम्हारे साथ वही करेंगे। अरे छोड़ दो। अरे छोड़ दो मुझे, मुझे घर जाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे हवाई सैर नहीं करनी। तुम्हें तो गांव के सरदार ने बाहर निकाल दिया, अब घर कैसे जाओगे? प्रणाम महाराज। हम गिली गिली छू। आज तुम इस बालक को पकड़ कर लाए हो, अच्छा किया। जी महाराज, ये हमारे राज्य की सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश कर गया और दक्षिण प्रांत के एक तालाब से पानी पी रहा था महाराज। मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जादू के राजा, मैं फिर कभी आपके राज्य में नहीं आऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ कभी नहीं आऊँगा। अरे क्या हुआ, डरने की कोई बात नहीं है। छू, तुम वहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो, देखता हूँ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। गिली 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 छू छू। अरे मैंने कुछ नहीं किया जादू के राजा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे गांव के सरदार ने गांव से निकाल दिया है, मुझे दंड दिया है। एक बार मुझे दंड मिल चुका है, मुझे दोबारा दंड मत दीजिए जादू के राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलती से आपके राज्य में आ गया। गिली 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 सुखी सुखी छू, तो तुमको तुम्हारे गांव के सरदार ने गांव से बाहर निकाल दिया क्यों? मैं बहुत डरपोक हूँ, इसलिए एक मक्खी के डर से डर के भाग रहा था। मक्खी से डरने वाला डरपोक? मक्खी का साइज बहुत बड़ा था, मुझे काट लेती तो। इसी वक्त हमारे गांव से निकल जा, तू हमारे गांव के लिए कलंक है। इतना डरपोक लड़का हमारे गांव में रहने लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, निकल जा यहाँ से। ओहो अच्छा अच्छा, तो ये बात है। ओहो तो फिर तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड। मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। जादू के राजा, आपके पास तो शक्ति है, असीम क्षमता है, मुझे बस आपकी तरह साहसी और शक्तिशाली बना दीजिए ना जादू के राजा, मुझ पर दया कीजिए अच्छे राजा, मेरे बोले राजा। ठीक है, तुम डरपोक हो पर दिल से सच्चे हो। गिली गिली अगिली गिली 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 छू, इसीलिए आज मैं तुमको जादू की शक्ति से साहसी और शक्तिमान बना दूंगा। गिली 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 छू। सुनो परियों। ये महाराज। हाँ तुम लोग। तुम लोग जरा मेरी मंत्रित सिंह चर्म को लेकर आओगे। जो आ गया महाराज। हाँ इसे यहीं पर बिछा दो। सुनो कामा, अब तुम इधर आओ और यहाँ आकर सो जाओ, हैं? आज से तुम्हारे साथ लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता है, समझे? गिली 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 छू, असीमित शक्तियों से परिपूर्ण हो जाओगे तुम। सो जाओ, सो जाओ, आओ। गिली 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 छू, बस बस कुछ भी काश किया, ओ कुछ करते क्या छू, अगली गिली छू, अगली गिली छू, अगली गिली 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 छू, आ छू। अरे अरे वाह, मेरा शरीर तो बिल्कुल बदल गया है, अब मैं पहले जैसा पतला भी नहीं रहा। हाँ अब जाओ अपने गांव लौट जाओ। अब धरती पर कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मजा आ गया, मजा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद जादू के राजा। जाओ परियों, तुम लोग कामा को हमारे राज्य के सीमा के बाहर छोड़ आओ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद परियों। अरे बस ये जंगल पार करते ही तो मेरा गांव है, अब मेरे शरीर में असीमित शक्ति है, असीमित साहस है, अब
अब कोई भी मुझे डरपोक कामा नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। लगता है जंगल के उस तरफ से मनुष्य की गंध आ रही है। कितने दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया। क्यों मेरे जंगल से होकर कहाँ जा रहे हो? आज मैं तुझे खाऊंगा। ओए, अपनी सलामती चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ बच्चों। कितना सुंदर मांसपेशी वाला शरीर है, जरूर बहुत मांस होगा। अरे बाप रे, मेरे तो दांत टूट गए भाई। अरे बाप रे, मुझे मत मार। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। आज से मैं शाकाहारी खाना ही खाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ गांव चलना पड़ेगा। आज से तुम मेरे वाहन बनकर रहोगे, ठीक है। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। मुझे मत मारो। बाप रे बाप, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। चलो, ज्यादा बातें मत करो, चलो। एक दिन गुजर गया, लेकिन हमारा बेटा लौट कर नहीं आया। ए जी, सरदार से एक बार कहो ना, उनकी जान पहचान में कितने सारे लोग हैं, कहो ना उन्हें ढूंढने के लिए। मैंने तो उस दिन बोला था उनको, तुम मेरे साथ चलो, फिर एक बार उनसे अनुरोध करते हैं, शायद कुछ हो ही जाए। सरदार महाराज, आप मेरे बेटे कामा को ढूंढने की व्यवस्था कीजिए ना, मेरा बस एक ही बेटा है। ये देखो, फिर से आ गए तंग करने के लिए। मैंने एक बार कह दिया ना कि उस डरपोक लड़के को किसी भी तरह से हमारे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो डरपोक लड़का हमारे गांव का कलंक है। मैंने उसे निकाल दिया, अच्छा किया। क्या माने, हमारे सरदार जी के ऊपर सब्जी फेंक कर उनके कपड़े खराब कर दिए, इसलिए उसे दंड दिया है। एक बार फिर से सोचिए ना सरदार। अगर ज्यादा चूचा की तो मैं तुम दोनों को गांव से बाहर निकाल दूंगा, क्या समझे तुम? एक महान डरपोक सा लड़का, उसके लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है, क्या कहूँ इनको। दया कीजिए सरदार जी, आपकी कितनी जान पहचान है। मेरे बेटे ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है कि आप उसे इतनी बड़ी सजा देंगे। उसे वापस बुला लीजिए सरदार जी, दरख्वास्त है आपसे। सुनो सिपाहियों, इनको बांध कर यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा था, सब बीच में बेकार कर दिया इन दोनों ने। सुना नहीं तुमने? जी सरदार जी। शेर! अरे डरिए मत आप लोग। आप लोग कितने डरपोक हैं, ये तो मेरा वाहन है। अरे ये क्या कामा, तू? लेकिन तेरा शरीर पहलवान की तरह कैसे हो गया? लंबी कहानी है पापा, बाद में बताऊंगा। जादू के राजा के आशीर्वाद से ये शरीर मिला है मुझे। अब मैं वो पुराना डरपोक कामा नहीं रहा पापा, मेरे शरीर में अब बहुत ताकत है। पर पापा ये बताइए, आप लोगों का ये हाल किसने किया? हम यहाँ सरदार महाराज से तुझे ढूंढने के लिए मदद मांगने आए थे, और उन्होंने हमें सजा दे दी। अच्छा माँ, मैं उसे अभी मजा चखाता हूँ। क्यों सरदार जी, पहचाना कि नहीं मुझे?
आंख नाक से तो डरपोक कामा ही लग रहा है। लेकिन अब मैं डरपोक नहीं रहा। आपने मुझे एक छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड दिया, मेरे माँ बाप को बांध कर रखा। मैं ये सब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूँगा, समझे कि नहीं? अच्छा किया है, जरूरत पड़ने पर मैं तेरे माँ बाप को गाँव से बाहर निकाल दूंगा। क्या करेगा तू? मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी करना है वो मेरा वाहन शेर करेगा। शेर जरा अंदर तो आना। इस सरदार को जरा अपनी शक्ति का नजारा दिखाओ। जो आज्ञा प्रभु। अरे बाप रे शेर, भागो भागो। अरे बाप रे शेर मर गया। अरे बाप रे मर गया रे। शेर शेर भागो 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 शेर शेर। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर कभी किसी ने कामा को डरपोक कामा कहकर नहीं बुलाया। सबसे शक्तिशाली कामा सुख शांति से जीवन बिताने लगा।